आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर। ई शिक्षण कार्य कक्षा प्रथमा विषय पर्यावरण अध्ययन। आप सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज हम आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा निर्मित ई शिक्षण के अंतर्गत कक्षा प्रथमा पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्याय 4 जल में रहने वाले अपने साथी जलचर भाग 1 का अध्ययन करेंगे। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह पर निवास करते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। आज हम हंस, मगरमच्छ तथा मेंढक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हंस सफेद रंग का पक्षी होता है। हंस ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वाहन है। हंस जल में तैरता है। हंस मोती चुगता है। हंस पवित्रता का प्रतीक है। मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी में रहता है। मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होता है। मगरमच्छ मांसाहारी जानवर है। मगरमच्छ रेंग का चलता है। मगरमच्छ गंगा माता का वाहन है। मेंढक, मेंढक जल और थल दोनों जगह पर रहता है। मेंढक टर टर की आवाज बोलता है। मेंढक हमारा साथी है। मेंढक कीट पतंगों को खाता है। मेंढक फुदक फुदक कर चलता है। मेंढक वर्षा के आगमन की सूचना देता है। कक्षा कार्य, आज के कक्षा कार्य के अंतर्गत ये जो प्रश्न उत्तर है सभी भैया बहन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा कार्य का प्रश्न संख्या 1, माँ सरस्वती का वाहन कौन सा पक्षी है? उत्तर, माँ सरस्वती का वाहन हंस पक्षी है। कौन सा पक्षी मोती चुगता है? उत्तर, हंस पक्षी मोती चुगता है। मगर कैसा जानवर है? मगर मांसाहारी जानवर है। गंगा माता का वाहन क्या है? उत्तर, गंगा माता का वाहन मगरमच्छ है। प्रश्न संख्या 5, मेंढक कहाँ रहता है? उत्तर, मेंढक जल और थल दोनों में रहता है। प्रश्न संख्या 6, मेंढक कैसे चलता है? उत्तर, मेंढक फुदक फुदक कर चलता है। ग्रह कार्य, सभी भैया बहन अपने अभ्यास पुस्तिका में ग्रह कार्य घर से स्वयं करेंगे। ग्रह कार्य का प्रश्न संख्या 1, हंस का रंग कैसा होता है? प्रश्न संख्या 2, जल में तैरने वाला पक्षी कौन सा है? प्रश्न संख्या 3, मगर कहाँ रहता है? प्रश्न संख्या 4, रेंग कर कौन चलता है? प्रश्न संख्या 5, मेंढक कैसे बोलता है? प्रश्न संख्या 6, कीट पतंगे कौन खाता है? धन्यवाद।